हाय चाला। हाय सेल्डा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं और निहाद साथ ही बैठे हैं, फ्री हो तो घर आ जाओ। मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाती हूँ और फिर मॉम भी आ जाएंगी। कितनी अच्छी बात है ये, मैं और तुम्हारी माँ भी मिलने की सोच ही रहे थे। तुम आ जाओ यहाँ। ओके थैंक यू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ऑल राइट डियर। चारला आ रही है, थोड़ी देर में एलचिन भी आ जाएगी। वो दोनों घर आ रही हैं। तुमने एलचिन से शादी की बात कर ली है ना? शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा एक आध बार। मैंने कहा था ना कि पहले हमें बुराक से बात कर लेनी चाहिए। परेशान मत हो, मैं बुराक से बात कर लूंगी, मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। कम ऑन सेल्डा, मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है तुम्हें? तुम एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, मेरी समझ के बाहर हो तुम। हाँ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निहाद? ओके ओके, पढ़ने दो प्लीज मुझे। मैं किचन में जाकर कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ उनके लिए। आ गई मेरी बच्ची। वेलकम डार्लिंग, अच्छा लगा देखकर। थैंक यू सेल्डा आंटी। अब बताओ कैसी हो? ठीक नहीं हूँ सेल्डा आंटी, बुराक सुबह से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पर वो सुबह सुबह क्लब चला गया था। मैं अभी क्लब से ही आ रही हूँ, आज वो वहाँ गया ही नहीं। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत चिंता की बात है मेरे लिए। बुराक दिन ब दिन इरिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है सेल्डा आंटी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो बेटा, ये सब सोचकर इतना अपसेट मत हो, जरूर कोई वैलिड रीजन रहा होगा। तुम तो जानती हो ना, इसी हफ्ते उसने काम शुरू किया है, देखो नई जिम्मेदारी ली है उसने, जिंदगी में पहली बार काम कर रहा है। मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि पूरा पूरा दिन उसका फोन अनरीचेबल क्यों रहता है। तुम सही कह रही हो, पर हो सकता है कोई वैलिड रीजन रहा हो, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो काम में बिजी हो। मिस चाला वेलकम, क्या लेना पसंद करेंगी आप? मेरे लिए एक टर्किश कॉफी ले आइए प्लीज। जरूर। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए भी कॉफी ले आओ ताकि मैं अपनी बहू के साथ बैठकर कॉफी एंजॉय कर सकूं। जी मिसेस सेल्डा। क्या कहूँ सेल्डा आंटी, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी इसलिए आपसे कभी कुछ कहा नहीं, पर बुराक इन दिनों कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया है। हम इस्तांबुल शिफ्ट हुए पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। ठीक है काम पे हो, हम मिल नहीं सकते, समझती हूँ मैं, पर मैं अब इस सब से बहुत थक चुकी हूँ। मैंने मॉम को भी नहीं बताया ये। ओ बात को समझो, अपनी माँ को बताकर उन्हें अपसेट क्यों करती हो? मैं बुराक से बात करके ये सब हैंडल कर लूंगी ना, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पर विश्वास है मुझे, पर बुराक वो किसी की भी नहीं सुनता। अरे मेरी बात सुनेगा ना वो, मेरी बच्ची को कोई हर्ट नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो पहली बार उसने काम शुरू किया है, बहुत मेहनत कर रहा है वो, खुद को कितना डिसिप्लिन कर लिया है, निहाद का ट्रस्ट भी जीत लिया है, बस तुम शांत रहो बेटा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ओके सेल्डा आंटी। हेलो, एडा से बात हुई क्या सिनान? यहाँ हम सब टेंशन में हैं। एडा मुझसे बात नहीं कर रही, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, रूम में घुसने भी नहीं दे रही। उसे ज्यादा पुश मत करो, तुम जानते हो ना एडा बहुत इमोशनल है, बेचारी इसलिए नाराज है क्योंकि उसे किसी और से पता चला। भाई एलचिन से मत कहना ये बात, पर एडा अभी बहुत नाराज है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे किसी और से पता चला, पर इसलिए कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि एलचिन है। सिनान ये नॉर्मल बात है, कल को तुम और एडा साथ बैठ के इस बारे में बात कर सकते हो और पूरे मसले को ठंडे दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। काश ऐसा ही हो, काश। कल मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओ बुराक, वेलकम बेटा। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बुराक। खाना तैयार है सर। ठीक है तो चलो सब खाना खाते हैं। ओ मेरा प्यारा बेटा। चला क्या हुआ? एडा को पता चल गया है कि मॉम और सिनान रिलेशनशिप में हैं। किसी ने उनकी फोटोज क्लिक करके ऐदा को भेज दी,
इसलिए माहौल थोड़ा टेंस्ड है। ये तुम क्या कह रही हो? किसी ने अंकल को फॉलो किया और उनकी फोटोग्राफ्स खींची। मैं किसी का मूड खराब नहीं करना चाहता, पर मुझे कुछ डिस्कस करना है आप सबसे। हमारे कई दुश्मन हैं। आज हम सब ने देखा कि क्या हुआ, इसलिए हम सबको अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम एल्चिन। न जाने कितने लोग हैं जो हमसे और हमारी फैमिली की खुशियों से जलते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर कौन हो सकता है जो हमारा पीछा करेगा। खैर ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक बार सिनान एडा से बात कर ले, फिर हम एक फैमिली डिनर रखेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया बात कही तुमने। चलो खाना खाते हैं। एल्चिन, मैं सोच रही थी कि चारला और बुराक की एंगेजमेंट हमें कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। मॉम, मुझे लगता है मुझे चाला से पहले अकेले में बात करनी चाहिए। सेहदा, अब ये चीजें पहले की तरह नहीं होती हैं। बुराक और चारला खुद ही डिस्कस करके बता देंगे कि कैसे करना है या कब करना है, क्यों, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं तो बस इसीलिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मुझे चारला बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सेहदा आंटी। थैंक यू सो मच, खाना बहुत अच्छा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कॉफी यहीं पर मंगवा लें क्या? जरूर। बुरा, क्या हम बाहर गार्डन में चलें, खुली हवा में? हाँ चलते हैं। हम बस अभी आते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं अंदर दिखाना नहीं चाहती थी, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूं बुराक। अंदर टेबल पे तो तुम खुश लग रही थी। थैंक यू कहना तो दूर है, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कुछ कहती तो तुम्हारे डैड को सब पता चल जाता। कहाँ थे तुम पूरा दिन? मैं क्लब गई थी, तुम वहां नहीं थे। मैं बहुत इरिटेट हुई। तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई, इंस्टेड तुम इरिटेट हो गई। बिल्कुल चिंता हुई मुझे, लेकिन बुराक तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से तुम ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हम एक सीरियस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो प्लीज उससे पहले खुद को सुधार लो। हमें सीरियस रिलेशनशिप में जाना या नहीं, ये तो हम दोनों को ही डिसाइड करना चाहिए ना। सही कह रहा हूं ना? इसका क्या मतलब है, हम कोई गेम खेल रहे हैं क्या? बुराक, बुराक दूर रखो इसे, मुझसे दूर रखो इसे बुराक। मैं किंग को बांध कर आता हूं। ओके, सॉरी डार्लिंग, पर मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं चालो, होता है। मैंने तुम्हारे प्यार पर यकीन कर लिया था। डार्लिंग, हमारी फैमिलीज कितनी खुश है, मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं। क्या तुम खुश हो चाला? मैं खुश हूं, जल्दी हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। चाला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सुन रही हूं बुराक। चाला, ये
हमें ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें एहसास भी है बुराक तुम क्या कर रहे हो? चाला। अंदर जो बात की उसके लिए तुम टेंस्ड हो और तुमने काम करना भी शुरू कर दिया है इसलिए तुम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। तुम कुछ दिनों के लिए अपने काम पर फोकस करो, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ, जो भी कहा उसका आज रात से या काम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी फैमिलीज अंदर इंतजार कर रही है बुराक, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। ब्रेक ले लो, अपने आप को समझता क्या है? तुम जानते नहीं हो बुरा कि मैं कौन हूं। इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मुझे हमेशा से कॉफी क्रीम के साथ अच्छी लगती है। चाला, तुम चाहो तो हम निकल सकते हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल। उम्मीद है आप हमारा नया घर देखने जरूर आएंगे। हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और अगली पार्टी में हम बाबी क्यों करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ग्रेट आइडिया। हाँ, बहुत मजा आएगा। ओ चाला, मेरी प्यारी बेटी, यहाँ आकर तुमने मुझे और निहाद को बहुत खुश कर दिया। प्लीज ऐसे ही आती रहा करो, इसे अपना ही घर समझना मेरी बच्ची। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आती रहूंगी। तुम जब चाहे आ सकती हो। ओके, ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ कर रह भी सकती हो, शर्माना मत। हाँ, थैंक यू सो मच। गुड बाय देन। गुड बाय। हमें कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। अभी आखिर क्यों, सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था, फिर अचानक वो मुझसे दूर क्यों हो गया? तुम खुद से झूठ बोल रही हो चाला। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब वोल्कान मुझसे दूर था तब वो उस लड़की के साथ था? कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा था? क्या उसकी वजह असल हो सकती है? मॉम, क्या हुआ? आज तो आप सिनन अंकल के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाने वाली थी ना? नहीं, नहीं जा रही हूँ। और एक तरह से अच्छा ही है, मेरी प्यारी बेटी घर पर है और मैं उसके साथ टाइम बिता सकती हूँ, अगर बुराक के साथ कोई प्लान ना हो तो। नहीं, हमारे कोई प्लान्स नहीं है। तो उसे यहाँ बुला लो, तुम लोग स्विम कर सकते हो। सेल्डा और निहाद भी आज आइलैंड वाले घर पर जाने वाले थे, तो अभी बुराक घर पर अकेला ही होगा। वो अकेला, और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। पहले तो कोई मौका नहीं छोड़ता था, मुझे यकीन है वो किसी और से मिल रहा है। स्वीटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, कल रात तुम्हारे और बुराक के बीच कुछ टेंशन था, है ना? मुझे पता चल गया था, पर मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। फिर अब मैं समझ गई हूँ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम जरूर है सगाई को लेकर। डार्लिंग, प्लीज बताओगी क्या बात है? बोलो भी, आखिर क्या हुआ था कल? बुराक, कल रात उसने मुझसे कहा कि उसे ब्रेक चाहिए। क्या? ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो तुमसे ऐसा कैसे कह सकता है? पर अच्छा है तुम शांत रही और कंट्रोल में रही, अगर मैं होती तो इतनी शांत नहीं रह सकती थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूं। मुझे लगा हम सगाई की बात करेंगे, पर वो तो ब्रेकअप करना चाहता था। अगर कुछ और कहती तो शायद मामला और बिगड़ जाता। हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि वो सगाई को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, पर इस तरह ब्रेकअप की बात करेगा ये नहीं सोचा था। मॉम,
क्या लगता है, डेनिस सच बोल रही होगी? बुराक का एटीट्यूड, उसका बर्ताव, मुझे और कोई वजह समझ नहीं आ रही है। मुझे यकीन है कि बुराक कंफ्यूज्ड है, या जरूर किसी ने उसे कंफ्यूज कर दिया है। तो आप भी ये बात मानती हैं? डेनिस जिस लड़की की बात कर रही थी उसके साथ कुछ चल रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सीरियस होगा। बुराक और मेरे बीच प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो बोर्डम गया था। पेपर की खबरें, हाथ में हाथ डाले हुए तस्वीरें, उसका गायब होते रहना, बिल्कुल मुझे यकीन है तब भी उनके बीच कुछ हुआ होगा। चारला, प्लीज खुद को दोष मत दो। तुम बुराक से प्यार करती हो और हम जिससे प्यार करते हैं उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। हम उनके और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच पाते। पर मैं तो अंधी हो गई थी ना मॉम, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था पर मैं देख ही नहीं पाई। मैंने उसे बहुत आसानी से मुझे बेवकूफ बनाने दे दिया। चला बस करो, तुम खुद को बीमार कर लोगी। शांत हो जाओ प्लीज। आखिर कैसे शांत रहूं मॉम? उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे दिखा दूंगी मुझे बेवकूफ बनाने का क्या नतीजा होता है, मुझसे पंगा लेने चला है। पर पहले मैं आसले से निपटती हूँ। ठीक है, मत करो आंसर। उसे लगता है वो मुझसे दूर भाग गया है। मैं बुराक के घर जा रही हूँ। चारला, चारला। मॉम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मुझे बात करनी है। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जाओ और जाकर वहां उससे बात करो। मैं हमेशा शांत रहती हूँ पर अब नहीं रहूंगी। अगर उसने फिर से तुम्हें दुख पहुंचाया तो ये जान लो कि उसे जवाब देना पड़ेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड डे। एक मिनट मैम, मैं कॉल करके उनके बता देता हूँ कि आप आई हैं। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, पर मिस्टर बुराक ने बताने को कहा था इसलिए। आखिर तुम चाहते क्या हो बुराक? ओके, उसे जल्दी कॉल करो और बोलो कि मैं आई हूँ। हेलो मिस्टर बुराक, चाला मैडम आई हैं। चारला आई है, उसे रुकने को कहो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चारला मैम, बुराक सर वो गार्डन की तरफ आ रही है, आप बोले तो मैं उन्हें रोकूं क्या? ठीक है आने दो उसे। कब से कॉल कर रही हूँ बुराक, फोन्स क्यों नहीं उठा रहे हो और मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाट्सएप चाला। जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो गई थी। मैं ठीक हूँ चाला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हम बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, करते हैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम मुझे कितना हर्ट करते हो। मैं अभी कल रात की बात भूल ही नहीं हूं बुराक। चाला, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर क्या बुराक? मैं सालों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, ये सब तुम्हारे लिए कितना आसान है। मुझे यकीन नहीं होता तुमने ऐसा सोचा। चाला सुनो, मेरे लिए तुमसे ये सब कहना बहुत मुश्किल था, पर जैसा कि तुम देख सकती हो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है बुराक? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें झूठी उम्मीद दूं। I love you so much बुराक, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं सोचना है। ओके, तुम ठीक कह रही है। हमें बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा रिलेशन सीरियस होता गया मैं समझ गया हम साथ नहीं रह सकते। देखो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और तुम्हें ये अभी लग रहा है? तुमने अब तक जो भी किया मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है बुराक। कल रात भी मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि कुछ गड़बड़ है,
पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। I'm sorry, चाला, पर मैं यही फील कर रहा हूँ। कोई और है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, पर मुझे लगा था कि तुम कुछ दिन एंजॉय करने के बाद मेरे पास वापस लौट आओगे। शाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ बुराक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। पूरा देश जानता है कि हम दोनों साथ हैं। अगर वो लड़की ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे साथ है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। शाला, कुछ भी मत कहो, प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती बुराक, और मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हम दोनों की मंजिल एक है। प्लीज हमें एक दूसरे को दुख पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। प्लीज शाला, पता नहीं तुम्हें दुख पहुंचाए बिना कैसे कहूं, पर क्या तुम अभी ये पर क्या बोल रहे हो? अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। तुम अकेले में शांति से इस बारे में सोचो। एक बात अच्छे से जान लो, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो क्या साथ रहने के लिए आप जबरदस्ती करोगी चाला? जिस तरह हमने इस रिलेशन की शुरुआत साथ मिलकर की थी, वैसे तोड़ने का फैसला भी साथ लेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अकेले में ठीक से सोचो। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिलीज को कुछ पता चले। प्लीज मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि उसमें मेरा सिर्फ अकेले का नुकसान नहीं होगा। Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.